ओके, स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो गया। तो अभी आपने देखा कि एक थिन फिल्म रेजिस्टर जो है वो किस तरह होता है, और उसके अंदर अगर कार्बन का थिन फिल्म रेजिस्टर हो तो वो इस शक्ल में होगा, और अगर मेटल का थिन फिल्म रेजिस्टर होगा वही शेप में होगा, और अगर मेटल ऑक्साइड का थिन फिल्म रेजिस्टर होगा तो वही शेप में होगा। बी रिमेम्बर के ये वाले रेजिस्टर्स जो होते हैं ये लो पावर के लिए होते हैं, यानी लो वाटेज के लिए होते हैं। हाई पावर के लिए रेजिस्टर्स का शेप जो है चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है थिन फिल्म की बजाय थिक फिल्म यूज होता है, या फिर फिल्म की बजाय वायर वहां पर यूज होता है। सो मैं आ जाता हूँ कुछ और कैटेगरीज की तरफ। अब अगर यही रेजिस्टर आप ले लो जिस तरह आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो है 1 वाट 2 वाट का है, यानी 0.5 वाट का है, ये 2 वाट का है, ये 2 वाट का है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देख लो, इन कैटेगरीज में कार्बन रेजिस्टर्स जो है वो कम वाट के होते हैं, मेटल जो है मेटल थिन फिल्म रेजिस्टर्स जो है वो उससे थोड़े से ज्यादा वाट के होते हैं, और इसी तरह मेटल ऑक्साइड भी थोड़े से ज्यादा वाट के होते हैं। लेकिन ओवरऑल जो ये कैटेगरी है, जो थिन फिल्म वाली कैटेगरी है, ये बेसिकली कम पावर के लिए होती है। अब अगर देखा जाए इसके अंदर भी अगर देख लो, तो आपको अगर आप जो है मार्केट से लेना चाहो तो आपको पतले रेजिस्टर्स इसमें नजर आएंगे, मोटे रेजिस्टर्स इसमें नजर आएंगे, बड़े रेजिस्टर, छोटे रेजिस्टर, गर्चे उसका रेजिस्टेंस सेम होगा, इन सब में आप देख ले जो कलर बैंड से वो सब के सेम है, लेकिन इसका पावर जो है वो 5 वाट का है, इसका 3 वाट है, 1 वाट है, 1/2 वाट है, 1 और 4 वाट है। तो इन वेरी सिंपल को के रेजिस्टर का जो साइज है वो अगर बड़ा हो तो इट मीन्स दैट कि वो क्या है, वो ज्यादा पावर के है, और अगर उसका साइज जो है बहुत ही छोटा हो तो इट मीन्स दैट वो कम पावर के हो। बी रिमेम्बर, एक ही कैटेगरी के अंदर अगर साइज बड़ा हो तो वो जो है ज्यादा पावर के होते हैं, और उसी कैटेगरी के अंदर अगर साइज छोटा हो तो वो क्या है, वो कम पावर के होते हैं। जिस तरह यहाँ पे कम पावर का है और ये क्या है, बड़े पावर का है। तो मार्केट में भी खरीदने के लिए जाओ तो आपको इसी तरह जो है नजर आएंगे। और जी, यहाँ तक मैं क्वेश्चन ले सकता हूँ, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो रेज हैंड करे, मैं उसका क्वेश्चन जो है वो ले लेता हूँ, या खुद जो अपने आप को अनम्यूट कर ले तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? यस सर। सर, इस रजिस्टर में कलर कोड ये चीज तय करता है कि रजिस्टर कितना होना चाहिए, ज्यादा पावर वाला कम पावर वाला? मेटल तो शायद करता है या नहीं करता सर? कलर कोड के जरिए पावर का पता नहीं चलता। अगर जो एक ही टाइप के रेजिस्टर्स हो उसमें साइज के जरिए पता चल जाता है कि ये ज्यादा पावर का है या कम पावर का हो। हाँ, अगर उसका टाइप जो ओके सर। चेंज हो जाए तो फिर वो जो है वो अलग इशू। जी, दूसरा क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन? आई होप देयर इज नो सर क्वेश्चन। जी, ओनली वन क्वेश्चन सर, सेरामिक मटेरियल का मुझे नहीं पता, जो आउजर दो सेरामिक टॉपिक में यूज मटेरियल्स हुआ है। ओके आर गुड इंसुलेटर्स। सर। ओके, क्योंकि इंसुलेटर्स के अंदर आमतौर पर करंट फ्लो नहीं होता, इस वजह से कि वो दरमियान में इंटरफेयर नहीं करते, तो रेजिस्टेंस जो है उसके ऊपर जो कोटिंग की जाती है उस मटेरियल का आ जाता है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया यहाँ तक? अभी तक मैंने कलर कोड वगैरह जो है वो नहीं समझाया है। सो आप लोगों के यस साथ सर, स्क्रीन शेयर है इस वक्त? यस सर। ओके, जब स्क्रीन शेयर है तो आप लोगों को कुछ और कैटेगरीज की तरफ मैं ले चलता हूँ। ये अभी मैंने आप लोगों को थिन फिल्म रेजिस्टर्स जो है दिखाए, अभी मैं कुछ और रेजिस्टर्स की तरफ जो है वो आप लोगों को ले चलता हूँ। रेजिस्टर्स की एक कैटेगरी इस तरह है कि जिसमें एक सेरामिक मटेरियल के ऊपर वायर को वोंड करके रेजिस्टर बनाया जाता है। आप लोगों को जो शुरू से मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसको वहां से मैं पढ़ा रहा हूँ कि एक आम वायर का भी अपना रेजिस्टेंस होता है, उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। सो अगर आप एक सेरामिक सिलेंडर ले ले और उसके ऊपर वायर को वाइंड कर ले, जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया कि एक सिलेंडर है और उसके ऊपर वायर को लपेटा गया है, और फिर एक सिरे दूसरे सिरे से कनेक्ट किया गया है, और ऊपर प्रोटेक्शन के लिए जो है उसको कोट किया गया है। इस तरह के रेजिस्टर आपको किस शक्ल में नजर आते हैं? वो इस शक्ल में नजर आते हैं, जो कोटिंग वगैरह के बाद जो कमर्शियली अवेलेबल शेप होता है वो उसका इस तरह होता है। इसके ऊपर रेटिंग लिखी होती है, इसके ऊपर जो है इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू भी लिखी होती है और इसका पावर भी लिखा होता है।
इस तरह के रजिस्टर क्या कहलाते हैं? वायर वॉन्ड रजिस्टर्स कहलाते हैं। और ये वायर वॉन्ड रजिस्टर्स जो है ये ज्यादा पावर के लिए होते हैं। जिस तरह अभी कुछ देर पहले थिन फिल्म रजिस्टर्स मैंने आप लोगों को 2 वाट तक दिखाया है, यहाँ पे जो इसका पावर दिया हुआ है वो 25 वाट है, अच्छा खासा ज्यादा पावर है। लेकिन इसमें रेजिस्टेंस आप बहुत हाई रेजिस्टेंस हासिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो वायर होता है वो आपको हाई रेजिस्टेंस बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा वायर जो लपेटना पड़ेगा, लेकिन हाई पावर जो आप इसमें इजिली हासिल कर सकते हो। सो दीज रेजिस्टर्स आर फिक्स्ड रेजिस्टर्स एंड दिस टाइप इज कॉल्ड द वायर वॉन्ड रेजिस्टर्स। वायर वॉन्ड रेजिस्टर्स के बाद एक और कैटेगरी आती है, वो भी ज्यादा पावर के लिए आमतौर पर यूज होते हैं और उसको हम कहते हैं थिक फिल्म रेजिस्टर्स। थिक फिल्म, जिस तरह थिन फिल्म हमने देखा तो उसमें 1 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोमीटर से भी ज्यादा पतली लेयर जो है, आमतौर पर जो अच्छे थिन फिल्म होते हैं वो नैनोमीटर। लेकिन थिक फिल्म फिर यह है कि थोड़ा सा मोटा लेयर जो है, मोटा सा फिल्म। मोटे का मतलब ये नहीं कि मिलीमीटर्स में होगा या जो है सेंटीमीटर में होगा, मिलीमीटर का मतलब भी ज्यादा से ज्यादा माइक्रोमीटर में उसका फिल्म थिकनेस होगा। सो अब क्या क्या है जो ये कैटेगरी है, इसमें थिन फिल्म की बजाय थिक फिल्म के जरिए रेजिस्टर्स बनाए जाते हैं। और इन रेजिस्टर्स में फिर डिफरेंट वेराइटीज होती है। इनमें से कुछ रेजिस्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें हीट के लिए सिंक दिया होता है, जिस तरह आपको ये नजर आ रहा है। अभी एक छोटा सा रेजिस्टर बनाया गया है जो कि आपको शक्ल से इस वक्त ट्रांजिस्टर की तरह नजर आ रहा होगा, लेकिन इसके 2 टर्मिनल से और ये रेजिस्टर ही है। लेकिन चूंकि जब रेजिस्टर में से करंट गुजरता है तो वो उस करंट को कुछ अमाउंट जो है हीट में कन्वर्ट कर लेता है, तो वो हीट रेजिस्टर को जला सकता है। तो इस वजह से इसमें हीट सिंक दिया हुआ है। सर आपको इसके बैक पर जो है ये एक मेटल पट्टी नजर आ रही है जिसमें होल है, तो उस होल के अंदर आप नट बोल्ट लगा कर किसी मेटालिक सरफेस के साथ आप इसको लगा सकते हो, फिर इसका जो हीट है वो एक्सचेंज हो रहा होगा और ये जलेगा नहीं। तो इस तरह के रजिस्टर क्या कहलाते हैं? थिक फिल्म पावर रजिस्टर जो है वो कहलाते हैं। इसी तरह अगर आप और थिक फिल्म्स में देख लो तो थिक फिल्म की जो कैटेगरीज है उसमें और फिल्म और रेजिस्टर्स भी आ जाते हैं। तो जो आप ये वाला देख रहे हो ये प्रिसिशन पावर फिल्म रेजिस्टर है, तो इसमें क्या है कि आप प्रिसाइज पावर के लिए ये रेजिस्टर्स यूज होते हैं और ये भी उसी तरह फिल्म के जरिए जो बनाए जाते हैं। और इसी तरह एक कैटेगरी में ये आपको नजर आ रही है कि एक सिरामिक मटेरियल के ऊपर उन्होंने क्या किया हुआ है, एक रेजिस्टिव मटेरियल यानी एक फिल्म जो है वो उन्होंने कोट किया हुआ है और फिर उससे डिफरेंट उन्होंने कनेक्शन लिए हुए दरमियान। अब क्या है, एक फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर वो 100 ओम दे रहा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 100 ओम दे रहा है, तो अब 2 एडजेसेंट नोब्स के दरमियान जो है वो एक फिक्स रेजिस्टेंस दे रहा होगा, लेकिन इसी तरह वो रेजिस्टेंस एक दूसरे के अंदर ऐड होते जाते हैं। सो इस तरह ये एक फिक्स रेजिस्टर तो है लेकिन इसके डिफरेंट आउटपुट्स पर आपको डिफरेंट रेजिस्टेंस जो है वो मिल जाते हैं, डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मिल जाती है। तो इस तरह का जो फिल्म रेजिस्टर है वो आपको किस शेप में नजर आता है, वो आपको कमर्शियली अवेलेबल इस शेप में नजर आता है। और अगर आप इसका सर्किट देखो अंदर तो इस तरह से अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एक रेजिस्टर और यहाँ से यहाँ तक दूसरा तीसरा चौथा, तो ऐसे एप्लीकेशन जिसमें हमें नंबर ऑफ रेजिस्टर्स चाहिए होते हैं तो हम इस एक पैकेज की मदद से नंबर ऑफ रेजिस्टर्स जो है वो बना सकते हैं। तो ये भी एक टाइप है और ये भी फिल्म के जरिए बनाए जाते हैं और आमतौर पर कुछ खास पावर तक जो ये होते हैं। अच्छा, इसी तरह आपको ये वाला जो नजर आ रहा है एल्युमिनियम हाउस चेसिस माउंट रेजिस्टर या प्रिसिशन वायर माउंट रेजिस्टर्स को कहते हैं, ये भी ज्यादा पावर के लिए होते हैं। तो ये थिन फिल्म रेजिस्टर की तरह नहीं है, जिस तरह हमारे पास ये वाले ज्यादा पावर के लिए यूज हो रहे थे, ये वाले रेजिस्टर्स भी
ज्यादा पावर के लिए यूज होते हैं, लेकिन ज्यादा पावर के साथ साथ जो है ये अच्छा प्रिसीजन देते हैं, यानी इसका जो परसेंटेज एरर होता है वो कम होता है, इस वाली कैटेगरी का। और दूसरी एक कैटेगरी ये है, इस कैटेगरी में फिर क्या किया जाता है, वायर वोंड रेजिस्टर्स तो है लेकिन इसके ऊपर सिलिकॉन का कोटिंग किया जाता है। तो ये वाली कैटेगरी और ये वाली कैटेगरी होते तो पावर रेजिस्टर्स होते हैं, लेकिन इसको हाई प्रिसीशन के लिए यूज किया जाता है जिसमें परसेंटेज एरर कम से कम होता है। इनके अलावा अगर दो और कैटेगरीज जो है देख ले, इसमें कुछ आप लोग अगर कंप्यूटर के सर्किट्स खोल ले या आजकल खिलौने वगैरह जो छोटे छोटे सर्किट्स उसमें खोल, तो आपको इतने टाइनी टाइनी रेजिस्टर्स उसमें नजर आएंगे, ये वाले जो आपको अगर नजर आ रहे हैं बहुत ही छोटे छोटे, ये जो पूरा नजर आ रहा है ये एक पेपर है जिसके ऊपर बहुत सारे लगाए गए, और यहाँ पर एक छोटा सा तीन जो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं ये भी रेजिस्टर्स है। सो ये एक्चुअली क्या है, ये भी थिक फिल्म रेजिस्टर्स है, जो थिक फिल्म रेजिस्टर्स आपको पता है वो किस लिए यूज होते हैं, तो ये भी थिक फिल्म रेजिस्टर्स है, लेकिन ये इस तरह के सिचुएशन में यूज किए जाते हैं कि जहाँ पे जगह कम हो, कम से कम जगह में इसको लगाया जा सकता है, आमतौर पर कितने मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर या इससे भी छोटे साइज के होते हैं, तो जहां पे जगह कम हो तो वहां पर इन रेजिस्टर्स को यूज किया जाता है। इसी तरह अगर इन रेजिस्टर्स को देखा जाए कि ये किस तरह बनाए गए, कि जिस तरह आपको ये यहाँ पे शेप में सही नजर नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ से आप जो है अच्छी तरह देख सकते हो कि क्या लिया गया है, एक सेरामिक बेस लिया गया जो प्लेट है, और उसके ऊपर क्या किया गया है, एक रेजिस्टिव मटेरियल जो कोट किया गया है, और एक सिरे और दूसरे सिरे से इलेक्ट्रोड जो है वो बनाए हुए हैं या इलेक्ट्रोड के साथ अटैच किया हुआ है, और इसके ऊपर उसका रेजिस्टेंस जो है लिखा होता है कि इसका रेजिस्टेंस इतना होता है। तो बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, और जहाँ पे स्पेस की कमी हो तो इस तरह के फिक्स रेजिस्टर्स को यूज किया जाता है। आई होप कि ये यहाँ तक आपको जो फिक्स रेजिस्टर्स जो दिखाए गए वो आप लोगों को क्लियर होंगे। तो मैं वापस रिपीट कर लेता हूँ कि ये वाले रेजिस्टर जो ये दोनों है, ये इसके अंदर का स्कीमेटिक है और ये बाहर क्या शेप है उसका, ये वायर वोल्ट रेजिस्टर है, हाई पावर के लिए यूज होते हैं। ये वाला रेजिस्टर जो दिखाया गया है ये थिक फिल्म रेजिस्टर है और इसके पीछे सिंक लगा होता है, और ये क्या होता है, ये हाई पावर के लिए यूज होता है। ये वाला रेजिस्टर जो है इसका फायदा ये है कि हाई प्रिसीजन के लिए यूज होता है, जहाँ पे ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत हो, लेकिन जिसका ना तो बहुत बड़ा है ना बहुत ही छोटा है। और ये वाला जो कैटेगरी आपको नजर आ रहा है ये उसका स्कीमेटिक है, और ये कमर्शियल शेप है, और ये इसका सर्किट डायग्राम है। इसमें एक ही फिल्म के जरिए टर्मिनल्स लगाकर नंबर ऑफ रेजिस्टर्स बनाए गए और वो एक ही पैकेज में होते हैं। ये वाला रेजिस्टर और ये वाला रेजिस्टर, इसको एल्युमिनियम की बॉडी जो है दी गई है और अंदर जो है वायर वोंड रेजिस्टर है, और इसके ऊपर ये भी वायर वोंड रेजिस्टर है लेकिन इसके ऊपर उन्होंने सिलिकॉन की कोटिंग की हुई है। ये दोनों रेजिस्टर होते तो पावर रेजिस्टर्स है, लेकिन क्या होते है ये हाई प्रिसीशन के लिए यूज होते हैं, यानी इसके अंदर एक्यूरेसी जो ज्यादा होती है और परसेंटेज एरर कम होता है। और आखिरी जो शेप मैंने दिखाया वो ये वाला शेप है, ये उसका स्कीमेटिक है और ये उसका कमर्शियली अवेलेबल शेप है। ये बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, और जहां पर आपके पास स्पेस कम हो तो इस तरह के रेजिस्टर जो है वो आप लगाते हो। सो इसके इससे वायर्स नहीं निकले होते बल्कि इस तरह चिप के फॉर्म में होते हैं और डायरेक्ट आप इसको लगा लेते।